इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दस ऐसे सवाल जो आपको पूछने जरूरी हैं बिफोर यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली दोस्तों मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काफी बार बात कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल मैनर में दस ऐसे सवाल आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कभी भी अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो अपने माँ बाप के लिए अपने लिए अपनी फैमिली के लिए तो वो पूछने जरूरी हैं इन दस सवालों में से चार ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने हैं और छो 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 सवाल छे, छे, छे ऐसे सवाल छो ऐसे सवाल हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूछने हैं प्लस एक बोनस सवाल जो मैं आखिर में आप सबसे फिर से पूछूंगा शुरू करते हैं पहला सवाल जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं अपने फैमिली के लिए अपने लिए अपने माँ बाप के लिए तो कितने अमाउंट का कवर होना चाहिए अब बहुत लोग अमाउंट में सोचते हैं मैंने खासकर पिछले डेढ़ साल में जब कोविड इतने बुरी तरह से पूरी दुनिया में फैला ये जाहिर सी बात थी कि सही तरीका सोचने का है नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन डेज इन ईयर अब आप जहाँ भी रहते हैं दिल्ली में रहते हैं बॉम्बे में रहते हैं किसी टीयर टू टीयर थ्री शहर में रहते हैं हर एक शहर के हॉस्पिटलाइजेशन के जो रेट्स हैं या हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो बहुत अलग है अगर आप गुड़गांव जैसे शहर में जाएंगे या फरीदाबाद जहां मैं रहता हूं वहां अगर आप आईसीयू में खुदा न खास्ता हो तो एक दिन का 40 पचास हजार रुपये भी खर्च हो सकता है लेकिन अगर आप छोटे शहर में हैं सबसे बढ़िया से बढ़िया अस्पताल भी शायद दस पंद्रह बीस में निपट जाए तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जहाँ भी आप हैं जो भी आप स्थिति में हैं या शहर में हैं या जो भी आपका एन्वायरमेंट है उसके अराउंड आप ये मान के चलें कि आपको कितने साल में हॉस्पिटलाइजेशन डेज कवर करने हैं मैं बॉल पाक मान के चलता हूं कि अगर आप अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कम से कम एक महीने या तीस दिन का हॉस्पिटल कवर लेके चले अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं एंड अज्यूमिंग कि आप अभी भी जवान हैं लेस देन थर्टी फाइव फोर्टी ऑफ एज देन पंद्रह से बीस दिन का हॉस्पिटल कवर इज एब्सोल्युटली ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं और मुझे पता है कि हॉस्पिटल का डेली का, खल, का खर्चा खल कितनी गलतियां हो रही आज डेली का खर्चा पच्चीस हजार रुपये हो सकता है तो तीस दिन के लिए अगर मुझे अपने माँ बाप के लिए लेना हो तो मैं सात से साढ़े सात लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लूंगा अगर मैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ले रहा हूं देन बीस दिन लेके पच्चीस से मल्टीप्लाई करके तो लगा लीजिए पांच लाख रुपये मैं अपने लिए हॉस्पिटल का खर्चा लूंगा और हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लूंगा दिस इज इन माय ओपिनियन द राइट वे टू अप्रोच इट इसमें एक फैमिली फ्लोटर का भी कॉन्सेप्ट होता है जो आपको जानना जरूरी है फैमिली फ्लोटर में आप अपनी फैमिली के जो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स या कवर हैं उसको क्लब कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सात लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है तो चार मेंबर्स अगर आप और आपके पति या पत्नी हैं दो बच्चे हैं या माँ बाप हैं तो उनमें से कोई भी इस अमाउंट को ले सकता है

किस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए अब इसमें सबसे सरप्राइजिंग चीज जो मुझे सुनाई देती है अक्सर कि अभी तो हम जवान हैं अभी तो हमारी सेहत भी बहुत अच्छी है अभी तो हमारे कोई बीमारियां भी नहीं है तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है हर साल हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा है तो अभी क्यों दें बट दिस इज प्रिस वाई यू शुड दो रीजन नंबर वन जब आप जवान हैं आप पांच लाख रुपए का कवर लेना चाहते हैं तो पच्चीस साल की उम्र में जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा दैट विल बी फार फार लेसर अगर वही सेम कवर आप पैंतीस साल की उम्र में लेते हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जितनी भी जल्दी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए उतना अच्छा है खासकर वेन इट कम्स टू तो योर पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स के लिए अगर वो सिक्सटी अबव हो जाते हैं तो वो एल्डरली सिटीजन में चले जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा उनका प्रीमियम बढ़ जाता है तो अगर आप अपने पेरेंट्स को फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट की उम्र में ही हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं देन यू गेन फ्रॉम द पॉइंट दैट दैट आई एम एंड इज़ नो क्लेम बोनस अगर आप जवान हैं एंड आपके हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉबिलिटी लो है तो जितने भी साल आप इंश्योरेंस के अमाउंट को क्लेम नहीं करेंगे आपको एक नो क्लेम बोनस मिलेगा एंड दैट कीप्स गेटिंग एडेड टू योर कवर तो आप सेम प्रीमियम के लिए ज्यादा कवर ला पाते हैं इन द नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर दिस इज फॉर पेरेंट्स को जितना ज्यादा कवर मिल सकता है उतना ही अच्छा और जरूरी है आपके लिए भी ऑफकोर्स उतना ही जरूरी है सो प्लीज बाय एज अर्ली एज पॉसिबल एन हेल्थ इंश्योरेंस हर एक फैमिली मेंबर के लिए होना चाहिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही इंसान लेता है हु इज द ओनर ऑफ द फैमिली और बाकी सारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो उस लाइफ इंश्योरेंस को बेनिफिट के रूप में देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो हर एक इंसान इन द फैमिली के पास होना चाहिए नंबर तीन क्या सेम पॉलिसी लें या सेम इंश्योरेंस लें माँ बाप के लिए और अपने लिए नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि माँ बाप की इंश्योरेंस अलग होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस अलग होनी चाहिए हियर इज द रीजन व्हाई जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं एज अ ग्रुप या फैमिली तो जो एल्डेस्ट है उनके बेसिस पे प्रीमियम डिटरमिन होता है तो अगर आप और आपके पति पत्नी एंड माँ बाप के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो भी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो आपके पिताजी हो सकते हैं आपकी माँ हो सकती हैं उनके अकॉर्डिंग प्रीमियम डिटर्मिन होगा विच मीन्स आप क्योंकि इतने यंग हैं आप बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे होंगे जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर अटैच टू द सेम इंश्योरेंस मैंने पर्सनली अपने माँ बाप के लिए एक अलग इंश्योरेंस ली हुई है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अलग इंश्योरेंस ली रही हुई है इसके लिए द बेस्ट थिंग इज माँ बाप की इंश्योरेंस हैज टू कवर अ लॉट मोर डिटेल्स क्योंकि वो बुजुर्ग हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉबेबिलिटी बहुत ज्यादा है उनके पास प्री एग्जिस्टिंग एंड सो ऑन क्योंकि हम थैंकफुली अभी भी यंग हैं

जब भी आप कंपनी छोड़ देते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स हो जाती है यू कैन नॉट कैरी इट टू नेक्स्ट कंपनी तो जो भी आपके सारे नो क्लेम बोनसेस हैं या जो भी आपका कवर भी है वो सब कुछ लैप्स हो जाता है वेन यू रिजाइन यू डू नॉट वॉन्ट दैट सो इन एडिशन टू हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए इट इज हेल्दी ट्रेड एंड अ हेल्दी हैबिट टू हैव ये थे चार सवाल जो आपको खुद से पूछने होंगे अब छह सवाल ऐसे जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूछने होंगे या जब कभी भी आप कोई भी पॉलिसी इवेल्युएट कर रहे होंगे तो वो मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपको वो लेनी चाहिए या नहीं फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या पीईडीज कवर्ड हैं और अगर कवर्ड हैं तो उनका वेटिंग पीरियड क्या है क्या होती हैं पीईडीज और क्यों है जरूरी बहुत सारे लोगों को बीमारियां ऑलरेडी होती हैं बिफोर दे टेक देयर हेल्थ इंश्योरेंस खासकर जब मां बाप पे बात आती है डायबिटीज हो सकता है थायराइड हो सकता है कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो सकती है कैंसर सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड ये सब हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो करता है लेकिन एक वेटिंग पीरियड के बाद कुछ कुछ पॉलिसीज हैं जो कवर करती भी नहीं है वो बोलती हैं कि अगर आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो हम उस चीज को कवर नहीं कर सकते और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो कोई भी खर्चा हम नहीं उठाएंगे Now, this, clearly, is a very important aspect. तो दो चीजें इंश्योरेंस में पीईडी कवर होना ही चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल नावी में अगर आपके पास कोई भी पीईडीज या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजे हैं और अगर आप 40 ईयर्स से कम के हैं तो एक साल के अंदर ही आपकी वो पीईडीज़ आपके कवर में अमाउंट में आ जाएंगे विच मीन्स अगर आपके पास खुदा ना खासा कोई भी ऐसा डिजीज है बिफोर यू बॉट हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी एज 40 ईयर्स से कम की है तो एक साल के अंदर ही जो भी आपके वो डिजीज थे वो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट बन जाएंगे इफ यू आर ग्रेटर देन 40, यही वेटिंग पीरियड थ्री ईयर्स हो जाता है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर पेरेंट्स टू डिटर्मिन विच इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क नंबर टू जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपके रूम का जो खर्चा होता है दैट इज ऑल्सो कवर्ड एज पार्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे एक लिमिट होता है विच इज यूजली वन परसेंट ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट तो अगर आपके पास पांच लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपका जो रूम रेंट का लिमिट है वो वन परसेंट यानी कि पांच हजार होगा तो अगर आपका कोई भी रूम होगा पांच हजार रुपए से कम का है और वही रूम अवेलेबल था हॉस्पिटल में या आप उस रूम में ठहराना चाहते हैं पेशेंट को तो आपको सिर्फ पांच हजार रुपए तक रि मिलेगी बाकी का पूरा खर्चा आपको खुद उठाना होगा नाउ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जो कि रूम रेंट पे एक लिमिट डालती हैं वो बाकी सारे एक्सपेंसिस को भी प्रो रेटा ही रिइम्बर्स करती है स अगर आपका रूम जो है वो छह हजार रुपए का है आपकी लिमिट पांच हजार रुपए की है तो आप एक हजार रुपए दे रहे होंगे विच विल बी वन अपॉइंट सिक्स थाउजेंड सो अप्रोक्सीमेटली पंद्रह परसेंट तो आपका जो बाकी का खर्चा है उसका भी पंद्रह परसेंट मोटा मोटा आपको देना पड़ेगा ना दैट इज नॉट समथिंग यू वॉन्ट इसीलिए आपको एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है ऑन द रूम रेंट फॉर एग्जाम्पल ना भी Navi, के हर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है कितनी बार यह इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूं एंड दैट फॉलोज अपनी इंटरेस्टिंग टॉप अप वाला क्वेश्चन विच इज फिनल फीचर जो सिर्फ कुछ ही इंश्योरेंस पॉलिसी में है पहले कोई भी लिमिट नहीं हो सकती क्योंकि आप प्लान नहीं कर सकते कि आप कब हॉस्पिटल जाएंगे या कब जाने की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास एक अनलिमिटेड क्लेम्स का पॉलिसी होना चाहिए कितनी बार भी अगर आपको साल में जरूरत हो आप उसको अवेल कर सकते हैं इन एडिशन टू दैट कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी सच एज नावी एक फ्री और अनलिमिटेड टॉप अप देती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग तो फर्ज करिए कि आपने एक पांच लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आपको पहली बार हॉस्पिटल जाना पड़ा या भर्ती होना पड़ा जिसमें से दो लाख रुपए खर्च हो गए अब आपके पास सिर्फ तीन लाख रुपए और बचे हैं और खुदा ना खासता अगर फिर से ऐसी दो बार हॉस्पिटल जाने की कोई भी सिचुएशन इमर्ज हुआ तो आपके वो दो दो लाख रुपए और खर्च हो जाएंगे और शायद आपके पूरे पांच लाख रुपए गायब इन दिस केस नावी जो है वो एक फ्री अनलिमिटेड टॉपअप देता है Which means, आपका जो वो पांच लाख रुपए का बिल था या सॉरी कवर था उसमें से अगर आपने दो लाख रुपए खर्च कर दिए हैं तो वापस तीन जो बचे हैं वो पांच बन जाएंगे एंड दिस विल हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अनलिमिटेड टाइम्स विच मीन्स आप जितनी बार भी साल में हॉस्पिटल का जो क्लेम है वो करना चाहते हैं या करने की जरूरत पड़ रही है यू डू नॉट एवर अमाउंट नंबर फोर बहुत ही ज्यादा जरूरी नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल अराउंड यू ये बहुत जरूरी पॉइंट है बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो बोलती हैं कि हमारे पास हजारों कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं. ग्रेट आपके आसपास कितने हैं क्योंकि जब आपको जरूरत है तब आपके घर के पास ही कुछ होना चाहिए नावी हैज अबाउट टेन थाउजेंड प्लस हॉस्पिटल कवर्ड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कवरेजेस ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल मतलब आप जब जाएंगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अपनी जेब से आप डायरेक्टली रि प्रोसेस में जाएंगे एंड योर बिल विल बी सेटल्ड बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर नावी क्लेम करता है कि मोस्ट ऑफ देयर री या क्लेम्स आर सेटल्ड विद इन थर्टी मिनट इट से होती ही होंगी बट फॉर एनी कंपनी टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट ऑन एन एवरेज विद इन थर्टी मिनट्स इज फिनल क्योंकि मैं पर्सनली इस सिचुएशन से बहुत बार गुजर चुका हूं जहां घंटों वेट करना पड़ता है

हर एक पॉलिसी में सिर्फ आईपीडी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर्ड होता है बहुत ही कम पॉलिसीज हैं जिसमें ओपीडी मतलब जब हम एक डॉक्टर के पास नेचुरल कंसल्टेशन के लिए जाते हैं नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए जाते हैं वो कुछ दवाइयां लिख के हमें वापस भेज देते हैं तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन खर्चा तो हो ही रहा है कंसल्टेशन का या कुछ भी और अगर हमने करवाना हो सो वॉट नाव ही इज नंबर वन अ फ्री हेल्थ चेकअप वंस एवरी ईयर विच इज ग्रेट क्योंकि आप चाहते हैं कि आप हर एक चीज पे अपने आप को मेजर्ड रखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा और अगर हो रहा है तो उसको आप प्रिवेंट करना शुरू कर सकते हैं एंड नंबर टू फ्री ऑनलाइन ओपीडी कंसल्टेशन विच इज ग्रेट तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं उसका कोई खर्चा नहीं होगा एंड दिस इज अ फैंटेस्टिक वे फॉर यू टू सेव नॉट जस्ट ऑन योर हॉस्पिटलाइजेशन

वो ज्यादातर होते ही होते हैं दी अदर थिंग इज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट रेशियो विच मीन्स कि अगर मेरे से सौ रुपए का क्लेम हुआ है तो उसमें से कितने रुपए एक्चुअली वापस क्लेम में रिमबर्स हुए थे रिम्बर्स या कैशलेस हुए थे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैट्रिक क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 100 में से नाइनटी सेवन क्लेम्स हो गए लेकिन जो 3% परसेंट क्लेम्स प्रोसेस नहीं हुए वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो बहुत महंगे थे या बहुत ज्यादा बिल था देन इट डजन सर्व एनी पर्पज राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों मैट्रिक्स चेक करें कि कितने क्लेम सेटल होते हैं और कितना अमाउंट सेटल होता है बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक आई जो है जो कि सरकार की रेगुलेटेड इंश्योरेंस अथॉरिटी है दैट अ पब्लिक प्रोफाइल ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज अराउंड दीज टू मेट्रिक्स जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं इसका लिंक बॉटम कमेंट में है एंड फाइनल बोनस क्वेश्चन ये दस क्वेश्चंस के अलावा एक ग्यारवा क्वेश्चन जो कि बहुत नया नया फिनमना है लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत कंट्रोल मिलता है द वन बिग थिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस खासकर की जब आप बहुत अर्ली एज में लेते हैं इज इज आई हैव रिकमेंडेड एक ही बार पूरे साल का खर्चा बैठ जाता है सो वट एवर इज दैट अमाउंट वो आपको लमसम में देना पड़ता है एंड यू विश दैट दर वॉज अ वे फॉर इट टू बी अ मंथली प्रोसेस एंड ई एम आई लाइक थिंग जैसे हम अपना ई कॉमर्स पे ई एम आई लेते हैं एंड दैट इज फॉर फ्री तो मंथली प्रीमियम पेमेंट्स

क्योंकि आप अपना पूरा खर्चा महीने में बदल सकते हैं साल की जगह जब जब डाल दिया एंड धीरे -धीरे करके पता भी नहीं चलता हर महीने आप अपना जो है वो रिन्यू कर रहे हैं उसके चलते आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एनी थिंग दैट इजटाइमलीस्पिटलाइजेशन आई होप दीज इलेवन क्वेश्चन अगर कोई भी और सवाल हो कुछ भी और आप जानना चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा जितना भी मैं जानता हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर कोई भी क्वेश्चन हो नावी टीम के लिए ताकि आप उनसे डायरेक्टली आंसर्स ले पाए तो प्लीज वो भी कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगाक्स्ट वीडियो दिस इज गुरू साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा